असोमी को पार्टी के साथ मैं हूं मंजीत दास। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी फतह हासिल की है। उस बड़ी फतह का जो हमारे साथ एक नौजवान लड़का मौजूद है जिसने इस फतह में बड़ा बराबर का हक अदा किया है, 100 प्लस स्कोर किए हैं इस इंडिया के अगेंस्ट। आइए उनसे बात कर रहे हैं। तैयार भाई कैसे? जब आप परफॉर्म करते हो, अच्छा करते हो तो फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं बाकी नौ मैच उनका शुक्र है। ठीक था इंडिया के नॉर्थ मैच का प्रेशर होता है नहीं प्रेशर तो ये एक नॉर्मल गेम ही होती है, सिर्फ वो एक नाम लगा हुआ इंडिया और कल पाकिस्तान, तो ये ही एक प्रेशर, उसके अलावा तो कुछ नहीं। वो सेम विकेट है जो हम बाकी डिफरेंट टीमों से खेलते हैं। बॉलर तगड़े भी किया नहीं या बस नॉर्मल विकेट जैसे हमारे खेल अपने वो बिलीव होता है कि मैं रहूंगा विकेट पे तो रन स्कोर कर सकता हूं, तो मुबसर था उसने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की है मेरे साथ, हमारे फिर यूसुफ था, तो हमने सब ने मिल के चिप इन किया और उसी से हमारे वो एक इनिंग विन हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है। लास्ट नाइट कप्तान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने स्पेशल थी आपके साथ ही लगा रही उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि कोई बात नहीं है आप पहला मैच हार गए हो गए थे इंडिया से, तो अभी ये आप लोग मैच हमें वो हैंडी दे रहे थे कि आप जाओ खेलो बड़े दिल से खेलो इन्जॉय करो इन्जॉय करो तो आप वन फ्रेंडली जीते, तो वो ही हुआ आज हमने इन्जॉय किया और हम हमारे पूल में थी, उसके बाद बाकी जो टोटल 6-7 टीमें थी सबसे जीते ही आपके हम कह रहे तो हमारे यही था कि हमारे पास चैंपियन होना जो टीम बची। जितने भी दुनिया है सॉरी पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान में लोग हैं, इवन की बाहर भी काफी लोग हैं जो पाकिस्तान करेंगे, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि आप सबको शुक्रिया जो हमारे लिए दुआ कर रहे थे और हमने अपनी मेहनत की है कोशिश की है। अब क्या है ये तो हमेशा से माइंड में रहता है क्योंकि इंसान का जो पढ़ाई वो एक क्रिकेट का होता है ना वो यही होता है कि आज और ठीक है, तो हमारे जो हाथ में है ना वो सिर्फ मेहनत करना और परफॉर्मेंस करना है, तो बाकी जो हमारे मुफीबों में आता बोला था ना वो करते हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे भी हम आ गए हैं, हमने यहाँ पे अल्लाह तला ने परफॉर्म करा दी है, इसी तरह कभी कल को अल्लाह तला आगे किसी जगह पर खिलाएंगे। तो इजाजत लेकर आगे।